Stated proof Pascal's law. Shabash statement the first. भूल गए? If the effect of gravity is neglected, then the pressure at every point in the liquid is equal or same. What is Pascal's law now? If the effect of gravity is neglected, then the pressure at every point in the liquid remains. लेकिन इसके बाद जो डेफिनेशन है जिस पर मैं प्रूव करके दूंगा आप लोगों को पास्कल्स लॉ, वो अलग डेफिनेशन है, दो में से एक पेपर में लिख सकते हो, लेकिन दूसरी डेफिनेशन बनाने के लिए मुझे डायग्राम पहले बनानी पड़ेगी फिर प्रूफ देना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से समझो, एक कंटेनर या वेसल लेनी है इस तरीके से, इधर देख लीजिए ये डायग्राम, आप लोग जब शीट पर देखोगे उसको ध्यान से देखना, बराबर ऐसी ही होगी, लेकिन तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि इसमें क्या किया गया है। इधर देख लीजिए, ये एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या किया गया है, चार ओपनिंग्स है इसमें। डायग्राम अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ओ ध्यान से सुनो, इधर देख लीजिए, सबसे पहली ओपनिंग यहां पर है, लेकिन इस ओपनिंग में क्या है, इस ओपनिंग में यहां पर पिस्टन लगाया गया है। पिस्टन का मतलब है ये आगे पीछे ही जा सकता है, ये पिस्टन जो है ना ये आगे भी जा सकता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन, फ्रिक्शनलेस एंड ये आगे पीछे जा सकता है ये पिस्टन, ठीक है, ठीक है। अब इस पिस्टन का अगर ये मान लीजिए यहां पर ए है, पॉइंट ए है, यहां सी से शुरू करेंगे, इधर देख लीजिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, कितना है A. कितना है A. इस ओपनिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रखा A. अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो दूसरी ओपनिंग रखनी है, जरूर रखना है आप लोगों को, यहां इधर से चाहे यहां से ले लीजिए चाहे यहां से ले लीजिए, अपनी मर्जी है, कहीं से भी शुरू करो आपकी मर्जी है, लेकिन करना क्या है, जो दूसरी ओपनिंग है डी, इस ओपनिंग, ये ओपनिंग आप लोगों को याद रखना है, अगर ये एक सेंटीमीटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, इसकी विड्थ कितनी है एक सेंटीमीटर, इसकी रखनी है आधी, इससे आधा, आधा एरिया कितना बन जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, और ए अगर है इसका ए बाई, इसका मतलब हो गया ये जो डी की ओपनिंग है ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए बाई टू। इसलिए आप लोगों को अगर नहीं यहां पर लगता है, अगर मैं बता रहा हूं ना, अगर ये क्या है एक ए वन, इस ये कितना होगा, हाँ ये याद है, लेकिन ये जो तीसरी ओपनिंग है ये इससे डबल, हाँ ये जो है ये थ्री टाइम्स है, समझ आया, तो इस तरीके की ओपनिंग बनानी है, ये टू टाइम्स इससे बनानी है, थोड़ी विड्थ इसकी ज्यादा देनी है, टू टाइम्स ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसकी सबसे ज्यादा विड्थ देनी है थ्री टाइम्स ए, ये हो गया थ्री टाइम्स ए, समझ आया कैसे ओपनिंग इस बनानी है, जब पेपर में बनाओगे एक जैसे नहीं बनाना, ये अलग ये अलग ये अलग हो रही है चारों अलग, और इस कंटेनर में आप लोगों को क्या बनना है, इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब है वो लिक्विड जिसके बीच में कोई एयर गैप ना रहे, एयर गैप कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, इनकंप्रेसिबल गैस, इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इसमें भर दिया, कोई एयर गैप नहीं रहनी चाहिए इसमें, उस तरीके से हमें इसमें लिक्विड भरना, ठीक है।
आप देख लीजिए, भर दिया मैंने लिख, हर जगह पर लिख। देखो क्या है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बोलता है, यहां पहले आप लोग खुद बताओ, देखते हैं आप लोगों का। मैंने बताया ये सारे पिस्टन है, ये आगे पीछे जा सकते हैं। अब आप लोग देख लेना, मैंने क्या किया, मैंने इस पिस्टन पर यहां से जैसे पेन मान लीजिए, मैंने इसको धक्का देना शुरू कर दिया। धक्का देने का मतलब फोर्स एग्जर्ट लगा रहा हूं पिस्टन एट सी, ये डी, ये ई और ये एफ मान लीजिए। कहां पर मैं पिस्टन को फोर्स लगा रहा हूं, अच्छी तरह समझना, पिस्टन अंदर चला जाएगा कि बाहर आएगा, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। क्या लगाया? अगर मैंने फोर्स लगाया यहां पर एफ, श्रवण कितना लगाया फोर्स, कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ए, फोर्स लगाया इस पिस्टन पर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लिक्विड पर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, लिक्विड पर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। कितना प्रेशर बनेगा, पी वन, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर कहां पर बना, ये जो मैंने फोर्स लगाया वो कितना था, एफ वन, इससे पानी में प्रेशर आ गया। क्या आ गया, तुम लोग खुद बताओ। मैंने यहां पर पिस्टन को अंदर किया, इधर से फोर्स लगा के, फोर्स लगाया एफ, कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, ए, प्रेशर कितना बना, पी वन इज इक्वल टू एफ। अब आप लोग बता बाकी तीन पिस्टनों को क्या होगा आपके हिसाब से, देखो खुद बता रहे हैं, वो बाहर आएंगे क्या अंदर आएंगे, क्योंकि इन पर प्रेशर होगा, ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, ये तीनों बाहर आ गए क्योंकि मैंने प्रेशर, मैंने इस पर लगाया प्रेशर, आप लोग यहां पर भी लगा सकते हो तब भी बाहर आएंगे बाकी तीन, एक पर फोर्स लगाना है बाकी तीन आएंगे बाहर। आप देखो क्या पास्कल लॉ क्या बोलता है, यहां से मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा। पास्कल लॉ बोलता है जितना यहां पर प्रेशर आप लोगों ने बनाया, जितना लिक्विड पर प्रेशर यहां पर बना, उतना ही प्रेशर यहां पर भी बनेगा, उतना ही प्रेशर यहां पर भी बनेगा, उतना ही प्रेशर यहां पर भी बनेगा, और उतना ही प्रेशर वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर भी बनेगा। ये प्रूव करना है, मगर अब इसको स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। समझ तो आ गया आप लोगों को, प्रूव मैं करके दूंगा, यही प्रेशर बनना चाहिए यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और वॉल्स पर, ये प्रूव करके दूंगा। लेकिन इधर सुनिए डेफिनेशन, पास्कल्स लॉ, पहली डेफिनेशन में फिर से रिवाइज करूंगा। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, देन द प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन द लिक्विड इज इक्वल और इट इज सेम। नाउ द सेकंड डेफिनेशन, इधर देख लीजिए सेकंड डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड ऑन द लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन द लिक्विड विच इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, विच इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, ये जो लिक्विड है ये किस पर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम रेस्ट पर। फिर से बताता हूं डेफिनेशन, दो बार तीन बार आप लोग बताओगे मैं बताऊंगा। Pascal's law also states that the pressure exerted at any point on the liquid which is in equilibrium of rest is equally transmitted. Is equally transmitted. Is equally transmitted to all the points in the liquid. Kya? And also to the walls of the container. And also to the walls of the container. If the effect of gravity is negative. Pascal's law की दूसरी definition proof दूंगा। शाबाश बेटा, फिर से बताओ। The pressure exerted at any point on the liquid is equally transmitted. Is equally transmitted to all the
points of the liquid, to all the points of the liquid, and also to the walls of the container, provided effect of gravity is. मगर याद रखना, this वही मैं बता रहा हूँ, ये याद रखना है, the liquid is in state of equilibrium of rest होना चाहिए. फिर से बताता हूँ, फिर आप लोग बताओगे, फिर मैं प्रूव बताऊंगा. Pressure exerted at any point on the liquid which is in state of equilibrium of rest is equally transmitted to all the points and also to the walls of the provided the effect of gravity is चलो बताओ बोल खुशी बताओ शाबाश बेटा. Pascal's law states that if pressure is exerted on any point of the liquid which is in the state of rest of equilibrium of rest शाबाश is equally transmitted to all the points of the liquid and also to the walls of the container present provided the effect of gravity is negative. बिल्कुल ठीक. बताओ कनिष्का आप. Pascal's law states that if the pressure exerted at any point on the liquid, if the pressure exerted at any point on the liquid which is in the state of rest, that is equally transmitted to all the points of the liquid if the effect of gravity is neglected and also to the walls of the liquid. Yeah, bol. The force exerted on any point. The pressure exerted on any point on the liquid which is in equilibrium of rest is equally transmitted to all points and the walls of the container if the effect of gravity is negative. बिल्कुल ठीक. इसका मतलब हो गया, आप लोग देख लीजिए प्रूफ में, मैंने जितना यहां पर प्रेशर बनाया उतना ही प्रेशर यहां पर भी पहुंचना चाहिए, यहां पर भी और यहां पर. अब देखो आप लोगों को कैसे लगेगा कि कितना फोर्स, कितना प्रेशर यहां पर बना, कितना प्रेशर यहां पर बना और कितना प्रेशर यहां पर बना. देख लीजिए प्रूफ में क्या करना है आप लोगों को, इसके बारे में लिखना है थोड़ा. Let us consider a vessel which is filled with incompressible liquid. It has four openings. Let A, O, सब लिखा आप लोगों ने. अब आप लोगों ने यहाँ पर फोर्स भी लगाया, प्रेशर जनरेट किया, कितना प्रेशर बना, जिससे चार तीन ओपनिंग्स क्या आ गई बाहर. आप देखो क्या करना है, यहां से आप लोगों ने तो प्रेशर डेवलप किया था, ये बाहर आ गई. अब आप लोगों को क्या करना है, इनको वापस लाना अपनी अपनी पोजीशन पे. क्या करना है ये याद रखना, जब आप लोग इसको अपनी पोजीशन पर लाओगे ना, आप लोगों को अगर यहां पर आप लोगों ने इधर देख लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था पहले, कितना, जब आप लोग इसको वापस अपनी पोजीशन पर लाओगे तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा. इशा समझ आया, अगर मैंने पहले बाहर निकाला अब इसको मैं अपनी पोजीशन पर फिर से ला रहा हूं, अगर मुझे अपनी पोजीशन पर फिर से लाना पड़ेगा मुझे तो फोर्स लगाना है ना. फोर्स पता है कितना है, लगेगा यहां पर F upon 2 का मतलब 10 न्यूटन. शाबाश बेटा, कितना फोर्स लगेगा यहां पर. और यहां पर देखोगे आप लोग एक्सपेरिमेंटली देखोगे इधर कितना लगेगा, 2 times 40 न्यूटन लगेगा इसको वापस लाने में, और इसको 60 कितना हुआ, 63F. याद रखना, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दीज पिस्टन्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस वी रिक्वायर F upon 2 फोर्स एट डी, 2F एट ई एंड 3F एट एफ. याद रखना बेटा, इसलिए शाबाश. ये तो एड कहां पर बनाया था ये प्रेशर हमने, सी पर. एड डी बनाओ प्रेशर, अब एड डी पर. शाबाश बेटा, डी पर प्रेशर बनाओ, शाबाश. P2 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है, F upon 2 अपॉन A अपॉन 2 P2 कितना आया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. शाबाश बेटा, एट ई at E, बताओ ये होगा P3 is equal to 2F upon 2A.
2F upon 2 times A, 2 or 2, F upon A, or at F. At F, P4 is equal to 3F upon 3A. 3, cancel. F upon A. आप लोग देख लीजिए, this is equation number 3rd and this is equation number 4. Comparing first, second, third and fourth. बताओ, compare करो. P1 is equal to P2 is equal to P3 is equal to P4 is equal to F upon A. F upon A. इसका मतलब pressure exerted at any point on the liquid is equally transmitted to all the points and also to the walls of the container. This proves Hooke's law. नहीं, this proves Pascal's law. क्या प्रूव हो गया? कि प्रेशर जितना हम एक पॉइंट पर जनरेट करेंगे उतना ही हर किसी पॉइंट पर होगा. इसको क्या बोलते हैं? समझ आया? क्या बोलते हैं इसको? शाबाश. कौन समझाएगा पास्कल्स लॉ? जरा बताओ रितिका, पास्कल्स लॉ कैसे प्रूव करोगे?